गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2023, शनिवार का दिन है। सुबह के 7 और स्कूल जाने की है तैयारी। हम नहा धो के हो गए हैं रेडी, पूजा हमने कर ली है, कपड़े हमने शूटिंग शर्टिंग कर लिया है, कपड़े पहन लिए हैं, नाश्ते की है तैयारी। और हिमानी की मम्मी के पैर में है चोट, जो पहले ब्लॉगों में मैंने आपको दिखाया था, तो पैर पे हुआ है प्लास्टर और हाथ पे हुआ है तो वो काम नहीं कर रही हैं। और हिमानी बना रही है मेरे लिए नाश्ता, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, हिमानी बना रही है मेरे लिए पराठे। आटा गूंथा हुआ है इसने, देखो पराठा बेल के डाल दिया है तवे पे, लेकिन पूरा गोल नहीं है क्योंकि अभी ये ट्रेनिंग में है, अभी इससे जो है खाना ठीक से बनाना आता नहीं है, क्योंकि इसके स्कूल अभी खुले नहीं है, 11th में है, हाई स्कूल का रिजल्ट अभी इसका आया नहीं है, तो अभी ये जो है घर के काम में हाथ बढ़ा रही है, क्योंकि तो मम्मी के इसके लग गई है चोट, उनके हुआ हुआ है प्लास्टर, तो घर का सारा काम हिमानी देख रही है और बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। हमें ऐसा विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा मैनेज कर लेगी, लेकिन अच्छा मैनेज कर रही है। चलो ठीक है, बनाइए पराठा, लेकर आइए। तो दोस्तों, हिमानी की मम्मी की चोट भी दिखाते हैं आपको, क्या कंडीशन है प्लास्टर की, देखिए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये तो पैर है और इसमें प्लास्टर है और ये कटेगा 30 दिन के बाद। इसको हो गए हैं आज 10 दिन, 10 हो गए, 28 में हो रहा था, हाँ तो 10-11 दिन हो गए। और उसके बाद हाथ का दर्द नहीं गया, ये देखिए। तो जब हाथ चेक कराया तो इसमें भी जो है फ्रैक्चर है, फिर हाथ पे हो गया ये 3 तारीख में। तो ये दोनों प्लास्टर डॉक्टर ने कहा कम से कम 3 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। तो हम 1 महीने मान के चल रहे हैं और 1 महीने तक ये जो है बेड रेस्ट पे है टोटली, और हमारी हिमानी घर के काम में हमारी कर रही है मदद बहुत ज़्यादा। पराठे कर दिए हिमानी ने तैयार, 2 पराठे बनाए हैं बेटा, करे रहे और दूध, टीका दूध गुड़ के साथ, तो दूध का पूरा भगोना हिमानी ने पका कर रख दिया है ये। तो दोस्तों, नाश्ता है तैयार, हिमानी ले आई है, देखो ये घड़ी दूध है, पराठे हैं और करेले हैं, गुड़ भी है, ठीक नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों, बज चुके हैं 7:30 और स्कूल चलने की तैयारी है। कार लेकर जा रहे हैं स्कूल आज, बाइक से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जाना है कांट, स्कूल के बच्चों की बुक्स लानी है कांट से, BRC पे पुस्तकें आ चुकी हैं लेकिन हम नहीं ला पाए थे, तो आज कांट जाएंगे और कांट से बच्चों की बुक्स लेकर आएंगे और बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो फिलहाल चलते हैं स्कूल कार से। तो दोस्तों, आ चुके हैं स्कूल, बच्चे हैं तैयार, है ना, बुनियादों को पढ़ रहा है। अच्छा, ये क्या हो गया स्कूल में, ये क्या हो गया बच्चों, ये किसने खोद दिया, अंकल ने, क्यों, हाँ ये जो है नए स्कूल का भवन आया है हमारा, जो पुराना भवन था वो हमारा टूट गया था, तो उसकी जगह नया भवन आया है, तो उसकी ये जो है बुनियाद, कल छुट्टी थी तो मिस्त्री ने, ठेकेदार ने खुदवा दी है, देखिए। तो इसमें 2 कमरे, एक उधर एक इधर, और ये बरामदा, और उधर जो है लास्ट में ऑफिस। तो ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया बात है, हमारे लिए बढ़िया बात है कि नया भवन बच्चों को पढ़ने के लिए मिल जाएगा। शायद ये अब काम कर रहे हैं तो जुलाई तक इस काम को पूरा कर लेंगे, एक
एक क्लास का मैं दो वाला बोलेगी है, एक चार वाला। सर जुलाई की तो लगे छुट्टी होती है। हाँ हाँ सर जब ही बन जाएगा। जुलाई में छुट्टी नहीं, जुलाई में स्कूल खुलेगा। अच्छा जी छुट्टी हो जाएंगी जब सर जी पहले बुनियाद कम्प्लीट हो जाएंगे तो लग लग अच्छी बात है। यहाँ बच के रहना, कोई बच्चा इसमें गिरना जाए छोटे बच्चे नहीं जाएंगे इधर, और ये मिट्टी भी इसमें जाएगी, ठीक है ना। कोई बच्चा नहीं जाएगा। समय हो गया 8 बज गए, घंटी बजाओ प्रार्थना की, सारे बच्चे लाइन लगा लो, ठीक है ना। और स्पीकर बाहर रखो, ठीक। चलो तो दोस्तों, ये हमारे स्कूल में नया भवन आया है जिसकी बुनियाद खुद गई है, क्योंकि पहले ये भवन जो बनते थे SMC के माध्यम से बनते थे, उसमें स्कूल के हेड टीचर और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते थे, उनके खाते में पैसे आते थे और वही लोग निर्माण कार्य कराते थे। लेकिन इस बार शासन ने स्कूल के टीचर और SMC को इससे अलग रखा है, और इसका टेंडर हुआ है, और टेंडर के माध्यम से ही ये जो है निर्माण कार्य कराया जा रहा है। क्योंकि परसों मेरे पास ठेकेदार का फ़ोन आया था और उसने मुझसे पूछा था कि कहाँ बनेगा, तो मैंने कह दिया था कि जहाँ पे पुराना भवन है वहीं पे बनेगा। तो कल उन्होंने इसकी नापतोल करा के और ये बुनियाद खुदवा दी है। तो मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम जुलाई तक इसको कंप्लीट करके स्कूल को आपको हैंडओवर कर देंगे। तो बहुत खुशी की बात है, हमें भी अच्छा लगा कि एक तो हम निर्माण कार्य से दूर हैं और दूसरा हमको जो नया भवन मिल जाएगा। तो समय हो चुका है प्रार्थना का, प्रार्थना करा लेते हैं बच्चों की। प्रार्थना का टाइम हो गया, लेकिन बच्चे कम क्यों आ रहे हैं भाई, ये बताओ। हाँ, क्योंकि अभी बच्चे 9 बजे का स्कूल मान रहे हैं, लेकिन स्कूल जो 8 बजे का हो गया ना 1 तारीख से, 1 अप्रैल से, और बीच बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं, तो उसकी वजह से बच्चे जो कंफ्यूज हैं। चलो जितने आप लाइन लगाओ प्रार्थना कराते हैं, ये सब यहाँ को यहाँ लगो लाइन, ठीक है। थाम लो पीछे को, एक ही लाइन लगाओ, लाइन लगाओ ठीक से। सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, सावधान। वेलकम टू सोरो म्यूजिक वर्ल्ड, द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू प्ले। स्पीकर हमने कर दिया है ऑन, कर देते हैं कनेक्ट, ठीक है। The Bluetooth device is connected successfully. सावधान, प्रार्थना स्थिति। सर जी ये वो ट्रांसमिट कर बह सकती हमें तो दया नहीं दे। Thank you.
तो दोस्तों प्रेयर हो चुकी है, बच्चों को संचारी रोग और स्कूल चलो अभियान के बारे में रोजाना बताया जाता है, आज भी बता दिया गया है। तो अब हम कक्षाएं शुरू करते हैं, क्योंकि कक्षा शुरू होने का समय हो गया है, 8:30 बजने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।